अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबकी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह से जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं बेटी को छोड़ के आ गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मतलब स्नो हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा हवाएँ चल रही थी। तो बस यही मौसम है आजकल यहाँ पर, मतलब बहुत तेज़ हवाएँ चल रही होती हैं या स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है या फिर साथ में बारिश हो जाती है। तो बस अभी तो यही मौसम चलता रहेगा। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, तो मुझे बनाना था अपने लिए नाश्ता। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। तो आज मैं सिर्फ एग वाइट बना रही हूँ अपने लिए हरी मिर्चों के साथ। तो बस यहाँ पर मैं अपना अंडा बना रही हूँ, मतलब मैं उसको बटर के साथ फ्राई कर रही हूँ आज। तो बस यहाँ पे अंडा डाल दिया मैंने और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी, ऊपर से सॉल्ट डाल दूँगी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है दो ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी और अपना जो अंडा मैंने फ्राई किया था वो डाल दूँगी। और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी सराचा सॉस। अच्छा, ये मैं अभी लेके आई थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। काफ़ी लोगों को मैंने ट्राई करते हुए देखा है तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। तो सही है इसका टेस्ट, इतना कोई ख़ास नहीं है। उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा मायोनीज भी लगा दिया था और बस हमारा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो गया था। तो साथ ही मैंने जो है एक मफिन ले लिया था जो कि मैंने अभी बनाए थे, जिसकी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, ये काफ़ी मज़े के बने थे। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बनाना था गाजर का हलवा जो कि मैं काफ़ी दिनों से बनाने का सोच रही थी। अच्छा, पिछले सर्दियों में मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया था लेकिन इस दफ़ा जो है वो एक दफ़ा भी नहीं बनाया, मतलब आधी सर्दी जो है वो गुज़र चुकी है। तो खैर आज मैंने सोचा कि मैं इसको बना ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने करना है गाजरों को ग्रेट। तो मैं एक ये लेके आई थी ग्रेटर जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि इससे जो है ना मैं आसानी से कर लूँगी। तो खैर फिर मैंने अपना जो है वो पुराना वाला ही ले लिया। इससे जो है ना वो बारीक, मतलब जो है ना ग्रेट होती हैं, लेकिन खैर है बारीक होती हैं तो फिर मतलब ये सॉफ्ट भी जल्दी हो जाती हैं गाजरें ना, तो हलवा जल्दी बन जाता है। अच्छा, पहले मैं ना नहीं बनाती थी, मुझे लगता था कि ये ऑरेंज गाजरें हैं तो इनसे पता नहीं हलवा अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं नहीं बनाती थी। लेकिन फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया था कि आप ये ऑरेंज गाजरें हैं तो आप इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर दिया करें, और मीठी नहीं होती हैं ये तो इतनी, जिस तरह लाल गाजरें जो होती हैं वो ज़्यादा मीठी होती हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी वगैरह जो है ना ज़्यादा ऐड कर लिया करें। तो इस तरह से फिर मैंने बनाया था, तो काफ़ी दफ़ा बनाया था फिर तो अच्छा बन गया था। तो बस अब तो मैं हर साल ही बनाती हूँ सर्दियों में। तो बस ये गाजर का हलवा भी हमारी सर्दियों की जो है वो एक सौगात है, तो लाजमी जो है वो सर्दियों में बनता है, हर घर में ही बनता होगा गाजर का हलवा। तो बस यहाँ पे मैंने गाजरें जो है वो ग्रेट कर ली थी। अभी मैं जो है पैन में जो है थोड़ा सा मैं घी डालूँगी, तकरीबन एक चम्मच, और बस फिर इसमें मैं गाजरें डाल दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि इनका जो अपना पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और उसी में ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अच्छा, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने कवर किया था हल्की आँच पर, तो ये सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध। अच्छा जी, दूध मैंने इतना डाला है कि ये गाजरें जो है मतलब उसमें डिप हो जाए। अच्छा जी, तो दूध डाल के दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये दूध में अच्छी तरह से जो है वो पक जाए और दूध का जो एक फ्लेवर होता है वो इन गाजरों में आ जाए, ताकि हमारा जो है वो हलवा बहुत मज़ेदार सा रेडी हो। और जब दूध ड्राई हो गया था तो फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी और बस इसको अभी हमने अच्छे से भूनना है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसमें जो है थोड़ा सा घी डालूँगी, तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी डाला था, तो मैं देसी घी डालती हूँ हलवे में तो उससे जो है ना एक अलग ही जायका आता है। उसके बाद जी यहाँ पे गाजरें हैं हमारे पास ऑरेंज, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर दूँगी तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा ना। बस उसके बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि इसका जो हमने चीनी वगैरह डाली थी उसका पानी वगैरह जो है वो खुश्क हो जाए
और घी जो हमने डाला था वो अलग हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। तो बस यहाँ पे हलवा जो है अच्छे तरीके से भून चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि खोया तो यहाँ पे होता नहीं है अवेलेबल इजीली, तो बस ये मिल्क पाउडर ही जो है वो यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा डालूँगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मतलब हलवे में। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे, क्योंकि खोए का जो टेस्ट होता है वो अलग ही मतलब टेस्ट होता है, उससे हलवे का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन मिल्क पाउडर से इतना अच्छा नहीं आता। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी ऐड कर दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है हलवे में। तो बस यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो गया था। तो ये रही उसकी लुक। बस जी यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलूंगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।